मध्य प्रदेश के जबलपुर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही कहा है सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथियाकर बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी इक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है, दिल्ली में एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही एक 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड पे वक्फ बोर्ड का है, और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है।